नेपाल विमान हादसे में पायलट अंजू ने अपनी जान कर दी कुर्बान, लेकिन कर गई ऐसा काम हर कोई कर रहा है सलाम। 10 सेकंड में को पायलट अंजू ने दिमाग लगाया, सैकड़ों लोगों की जान को बचाया, वरना तबाह हो जाता पूरा का पूरा गांव। 16 साल पहले पति की गई जान, फिर उसी फ्लाइट में अंजू भी हो गई कुर्बान। आखिरी वक्त में अंजू ने क्यों बदला प्लेन का रास्ता, सच जानकर आप भी करेंगे इस जाबाज को सलाम। जी, नेपाल में विमान हादसे ने सबको झकझोर कर रख दिया है। तस्वीरें देखकर दिल भर आता है कि कैसे इस हादसे में लोगों ने अपनी जान गंवाई होगी, कैसे जल जल कर निकले होंगे लोगों के प्राण। खबर है कि इस हादसे के वक्त विमान में 72 लोग सवार थे, जिसमें से 68 के शव निकाले जा चुके हैं। इस हादसे के बाद नेपाल सरकार ने हादसे के कारणों का पता लगाने के निर्देश दिए हैं। एक तरफ जहां इस हादसे में पूरे विमान के तबाह होने की तस्वीरों ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है, तो दूसरी तरफ हादसे के वक्त विमान को उड़ा रही को पायलट अंजू की बहादुरी का वो सच भी है जिसने बहादुरी और समझ से सैकड़ों लोगों की जान बचा ली। खुद मौत के मुंह में चली गई, लेकिन वो काम कर गई जिसे पूरी दुनिया सलाम कर रही है। खबर के मुताबिक अगर अंजू इस लैंडिंग को कर देती तो उनका प्रमोशन हो जाता, वो को पायलट से पायलट बन जाती। 16 साल पहले पति की मौत के बाद जो सपना अंजू ने देखा था वो 10 सेकंड में तबाह हो गया। लेकिन चर्चा अंजू के उस फैसले की जिसने सैकड़ों लोगों की विमान की लैंडिंग से ठीक 10 सेकंड पहले अंजू ने एयर कंट्रोल रूम में क्यों कहा कि मैं अपना रास्ता बदल रही हूँ। अंजू के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था कि उसने सही सलामत लैंड कर रहे विमान का रास्ता बदल दिया। इस कहानी के 3 किरदार हैं। पहला किरदार अंजू के पति के साथ हुआ हादसा, दूसरा किरदार उन सैकड़ों लोगों की जान जिसके चलते अंजू ने अपनी जान गंवा दी, और तीसरा किरदार वो 4 लोग जो मौत का आखिरी लाइव कर रहे थे। अब इसे संयोग कहें या कुदरत का कहर, यति एयरलाइंस के जिस विमान में अंजू अपने आखिरी सफर में सवार थी, आज से ठीक 16 साल पहले इसी विमान ने अंजू की दुनिया को तबाह कर दिया था। इसी विमान ने उजाड़ दिए थे अंजू के सपने। 16 साल पहले इसी यति एयरलाइंस के विमान में अंजू के पति दीपक पोखरेल की विमान हादसे में मौत हो गई थी। संयोग की बात देखिए, हादसे के वक्त अंजू के पति भी बतौर को पायलट ही अपनी सेवाएं दे रहे थे, और हादसे के वक्त अंजू भी बतौर को पायलट अपनी आखिरी उड़ान में हादसे का शिकार हो गई। लेकिन अब सवाल अंजू के आखिरी उन 10 सेकंड की जिसमें अंजू ने एयर कंट्रोल ट्रैफिक से ये कहा था कि मैं अपना फैसला बदल रही हूँ। अंजू के दिमाग में आखिर उस वक्त क्या चल रहा था जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था, तो वो सच भी जान लीजिए, लेकिन कहानी हादसे से 10 सेकंड पहले लिए गए उस फैसले की। दरअसल हादसे के वक्त अंजू के साथ जो पायलट मौजूद था वो सीनियर पायलट कमल केसी को करीब 35 साल का अनुभव था, कई पायलटों को ट्रेनिंग दे चुका था। इस फ्लाइट में कमल ने अंजू को मेन सीट पर बैठाया था क्योंकि इस लैंडिंग के बाद अंजू का प्रमोशन होने वाला था। कौन जानता था कि पति की मौत के बाद जो सपना अंजू ने देखा था वो सच होने से पहले ही बिखर जाएगा। दरअसल एयरपोर्ट के एक अधिकारी के मुताबिक यति एयरलाइंस के इस विमान ने रनवे से 24.5 किलोमीटर की दूरी तक आने के बाद अपना लैंडिंग पैड बदल लिया था। विमान को उतरने की अनुमति दी जा चुकी थी, विमान की लैंडिंग से करीब 10 सेकंड पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर अचानक विमान से मैसेज आया, मैं अपना निर्णय बदल रही हूँ। दरअसल विमान को रनवे 30 पर उतारने की अनुमति दी गई थी, लेकिन उन्होंने रनवे 12 पर उतरने की अनुमति मांगी। लैंडिंग की मंजूरी मिलने के बाद विमान विजिबिलिटी स्पेस में आ गया था, मतलब जिस वक्त विमान हादसे का शिकार हुआ था उस वक्त उसे कंट्रोल टावर से देखा जा सकता था। इस आधार पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने अनुमान लगाया कि विमान 10 से 20 सेकंड में रनवे पर उतर जाएगा, लेकिन इन 10 सेकंड में 72 लोगों की जान चली गई। अब बात अंजू के उस जज्बे की जिसने सैकड़ों लोगों की जान को बचा लिया। खबर के मुताबिक जिस वक्त प्लेन ने अपना कंट्रोल खोया उस वक्त वो गांव के ऊपर से उड़ रहा था। अगर उस वक्त प्लेन क्रैश हो जाता तो पूरा का पूरा गांव तबाह हो जाता, और प्लेन में मौजूद लोगों के साथ साथ गांव के निर्दोष लोग भी मारे जाते। इस मुश्किल वक्त में अंजू अगर चाहती तो पैराशूट से कूदकर अपनी जान बचा सकती थी, लेकिन अंजू ने साहस और हिम्मत से काम लेते हुए प्लेन को आबादी वाली जगह से दूर पहाड़ों की तरफ ले गई। हादसे को करीब से देखने वाले लोगों का कहना है कि किस्मत अच्छी थी कि विमान वहां नहीं गिरा। बस अंजू के इसी फैसले ने उनकी तो जान कुर्बान कर दी, लेकिन हजारों निर्दोष लोगों की जान बचा ली। जिस वक्त प्लेन लैंडिंग के लिए तैयार था उस वक्त गोरखपुर के 4 दोस्त फेसबुक पर लाइव कर रहे थे, लेकिन उन लोगों को क्या पता था कि जिस आसमान से जिस नजारे को वो लोग दिखा रहे हैं वो उनका आखिरी लाइव होगा। आपका इस हादसे पर क्या कहना है, और अंजू ने जो बहादुरी दिखाई उसे आप किस तरीके से देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।